उनका ये कहना है कि जो इनक्वालिटी है एक तो वो घटी है रूरल और अर्बन इंडिया की इसका मतलब है कि जो गिनिक कोफिशियंट वो भी ड्रॉप कर रहा है मतलब गिनी ओफिशियंट एक्चुअली एक मैथोडोलॉजी है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन की कितनी इक्वलिटी है आपकी कंट्री में ठीक है ना तो कल कल को अब अगर आपसे कोई पूछे कि गिनी ऑफिशियंट क्या होता है तो ये मेजर करता है इन को ठीक है जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू होती है दूसरा जो इनका बताना है इनका बी वी आर सुब्रमण्यम का कहना है कि वो है कि जो पॉवर्टी लेवल बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे हैं केवल फाइव परसेंट है नाउ ओनली फाइव परसेंट बिलो द पॉवर्टी लाइन सो दैट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक क्लेम ऑफ बी वर सुब्रमण्यम जी दूसरा उन्होंने कहा है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे भी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रूरल इंडिया का भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन इक्वालिटी मतलब कि कुछ ही लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं सबके बढ़ रहे हैं सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है एंड द अर्बन रूरल कंजम्पशन डिवाइड जो है इट इज नैरोड टू

इसके अलावा देखो लिखा है शेयर ऑफ फूड स्पेंडिंग इज डाउन शार्पली शार्पली रिटेल इन्फ्लेशन में बी ओवर स्टेटेड देन सजेस्ट लोअर वेटेज फॉर फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एक्सपेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन जी डीबी ग्रोथ कैलकुलेशन फॉर द इकॉनमी सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल बस जो ये क्लेम है वो आप जान लो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रस पॉइंट ऑफ व्यू बट ठीक है थोड़ा पता होना चाहिए गवर्नमेंट के

हड़ताल होती है या कोई इस तरीके की मतलब मतलब प्रोजेशंस होते हैं जहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाएगा इस डैमेज को एंड किस तरीके से इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं जो आ, तो वहां पे उसके लिए ये बिल लाए गए हैं एंड ये ऐसे ही बिल उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहले भी ला चुके हैं ठीक है ना आ, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा हैव ऑलरेडी दिस बिल डैमेज रिकवरी बोलते अ ट्रिब्यूनल विच विल द रिटायर्ड जज

यूएस यूके लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाउदीज हाउदी रेबल्स आप सबको पता है कहाँ के हैं ये बेसिकली यमन में रिसाइड करते हैं जो हाउदी रेबल्स हैं बट दे आर मोर फेवरिंग द फेवर्ड बाय द इरानियन गवर्नमेंट याद रखेगा हाउदीज को सपोर्ट किसका मिलता है ईरान का सपोर्ट मिलता है इसके अलावा हेजबुल्ला एक ग्रुप है. है वो कहारान काउदी इज अगेंस्ट इसलिए रिगार्डिंग ओवरऑल एक और याद रखेगा की रेड सी में जब वायलेंस स्टार्ट हुआ है जब अटैक्स स्टार्ट हुआ हाउदीज के तो एक ऑपरेशन

अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आर्टिकल में लिखा गया है तो लेट्स मूव टू द नोट्स विच प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक देख लो व्हेन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द रोल ऑफ लिटिल मैन इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे बताया कि देखो 75 साल हो गए आर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर भी हमारे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है बहुत सारे हैं पॉवर्टी है रिच पुअर डिवाइड है लॉ इशूज हैं गवर्नेंस चैलेंजेस हैं देन रिलीजन कास्ट पोलराइजेशन दे फ्यूल डिस्ट्रस्ट एंड एनिमोसिटी मतलब की जो रिलीजन है और जो कास्ट पोलराइजेशन है ध्रुवीकरण जो होता है इनका उस कारण से बहुत ज्यादा मिस्ट्रस्ट भी हो रहा है और लड़ाई झगड़ा भी आपस में काफी बढ़ता है ठीक है ना देन रूलिंग पार्टीज ऑफ एन अक्यूज ऑफ स्टाइफलिंग दिन थ्रूल होता है ना ये भी आपको पता होना चाहिए देन Then... ऑथर uh, ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ जो हैं वो काफी कमजोर होते जा रहे हैं जुडिशरी जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्ट act नहीं एक्टिवली ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीजें लेजिस्लेटिव हैं एंड uh, जब बहुत सारी चीजें लेजिस्लेटिव होती हैं तो उसमें फिर जुडिशरी कहाँ से इंटरफेयर करेगी देन इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जुडिशियल इनोवेशन की जरूरत है इन ऑर्डर टू तो प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी जैसे आर्टिकल वन हो गया है ना तो उसके तहत जो पावर रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो क्या कर सकते हैं दे कैन पास अ डिग्री और दे कैन पास अ लॉ इन ऑर्डर इन दैट केस तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे बोली कि भैया थोड़ा जुडिशियल इनोवेशन की जरूरत है तब जाकर के काम हो पाएगा ठीक है ना इसके बाद ऑथर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड मोरलिटी की बात की तो ऑथर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो सन सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी बात ऑथर ने यहाँ पे की है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपके अंदर नहीं है देन डेफिनेटली यू विल लूज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एज वेल तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट भी आप मिस कर दोगे तो देखो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब अपन देख लेते हैं टर्म में में मतलब मतलब समझ सबको आ रहा होगा लेकिन क्या है 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 तो constitutional morality का ठीक ना अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे वन वर्ड में पूछ लेता है कि किस्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे देख लेते हैं आ, करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की तो रूलिंग पार्टी को भी और अपोजिशन को भी फॉर एक्शंस एंड लैक ऑफ यूनिटी है ना उनके एक्शन लैक ऑफ यूनिटी के लिए एंड देर्स टू बिकम अवेयर ऑफ दियर ड्यूटी टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एंड दे आर्टिकल ऑल्सो फॉर द रूलिंग पार्टी एंडफिल द रिपोर्स इंडिया रिगार्डिंग दट आर्टिकल में काफी आपका मदद करेगा है ना अहेड ऑफ द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चे प्रोजेक्ट्स वर्थ रूपीज फोर्टी एट थाउजेंड एट थाउजेंड हंड्रेड इन हंड्रेड करोड़ तो अड़तालीस हजार एक सौ करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यहाँ पे एक तो पांच एम्स बनेंगे फाइव एम्स आर देयर जो कि बनाए जाएंगे देन इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है वो कहाँ बन रहा है द्वारका गुजरात में तो याद रखेगा इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है केबल स्टेट मतलब केबल के माध्यम से रहेगा केबल स्टेट ब्रिज जो है वो ब्रिज जो है वो कहाँ बनेगा द्वारका गुजरात में पांच एम्स जो है वो कहाँ पे बनने वाले हैं तो याद रखेगा राजकोट गुजरात में ठीक है ना इसके अलावा आप भटिंडा पंजाब में रायबरेली उत्तर प्रदेश में Uh, कल्याणी वेस्ट बंगाल में एंड अः uh, 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 आपका गिरी, मंगला गिरी मंगलगिरी कहाँ पर है ये आपका आंध्र प्रदेश में तो ये पांच जो एम्स हैं वो यहाँ यहाँ बनाए जाएंगे ये भी आप याद रख सकते हैं आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंट रिस्क फाउंड इन प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन तो डेंगू के इन्फेक्शन के बारे में है कि भैया बहुत ज्यादा रिस्क चल रहा है थोड़ा सा आपको मैं डेंगू के बारे में बता देता हूँ कि क्या है कैसे होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स में है Uh, सबसे पहली बात तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन ये आपको याद रखना इट्स अ वायरल इन्फेक्शन डेंगू वायरस के कारण होता है और ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है तो ये होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो जो कि प्राइमरली एडीज जो मॉस्किटो होता है उसके कारण ये फैलता है दैट इज अ वेक्टर है ना इसके पांच अलग अलग सेरोप हैं डेंगी थ्री फोर फाइव ये पांच अलग अलग सेरो हैं और ये टिपिकली चार से दस दिन में इन्फेक्शन के बाद डेवलप हो जाता है एंड माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स से लेकर के डेंगी हीमोरेजिक फीवर में आ, ये चेंज हो सकते हैं इसके सिम्टम्स जैसे सडन फीवर हो गया हेड है, एक हो गया आइज के पीछे दर्द होने लगता है मसल एंड जॉइंट दर्द करता है नोशिया वॉमिट होता है स्किन रैश होता है जब सीवियर डेंगू हो जाता है तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो तो रहते ही रहते हैं साथ ही अबडोमिनल पेन परसिस्टेंट वॉमिटिंग ब्लीडिंग ये सब भी होने लगता है तो बहुत ही कई कई जान भी चली जाती है तो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब डेंगू होता है तो तो इसलिए फिर कहते हैं कि भैया पपीता करो खाओ रेस्ट करो पानी ज़्यादा पियो ये सब इसके सोल्यूशन में बताया जाता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट To shine a light on तो हम देख लेते हैं इगनका जो है तो ये इंडिया ने एक प्रपोज किया है लैंग्वेज सर्वे याद रखेगा एक लैंग्वेज सर्वे प्रपोज है गोल क्या है इस लैंग्वेज सर्वे का द गोल इज टू कैलकुलेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एक्टिव लैंग्वेजेस इन इंडिया भारत में एक्टिव लैंग्वेजेस कितनी है उसको डिटरमाइन करना इसका मेन गोल है इंडिया ऑफिशियली बाईस लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज करता है आप सब पता है शेड्यूल जो एट है अपना उसमें बाईस लैंग्वेजेज रिकोगनाइज है नाइन्टी जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं बाईस लैंग्वेजेस को बोल रही है इंडिया में नाइन्टी नाइन नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी है जिनको लगभग सैंतीस दशमलव आठ मिलियन पीपल थर्टी सेवन पॉइंट एट मिलियन पीपल बोलते हैं तीन करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं ठीक है ना तो आप देख सकते हैं देन वन पॉइंट टू मिलियन स्पीक अनरिकॉर्डेड लैंग्वेजेस एक दशमलव दो मिलियन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है मेनली फ्रॉम द ट्राइवल एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो लिंग्विस्टिक डाटा है वो तक का सेंसस है जिसमें ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं हैव लैंग्वेजेसिंगल स्पीकर सर्वे है विच विल बी कंडक्टेड बाई इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इगनका जिसको बोलते हैं एक ऑटोनॉमस कल्चरल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इगन का जो था वो लॉन्च किया गया था 19 नवंबर 1985 को बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द दे देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी एंड इसको

एंड द लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑल्सो दे विल बी द कोलेबोरेटर्स इन दिस केस ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दैटर आगे मूव करते हैं क्या है हेड ऑफ गगन यान इजरो सीई ट्वेंटी इंजन ऑलरेडीबल लेगे तो एक्चुअली सीई ट्वेंटी बारे में आपको बताया था याद हो अगर आपको मैंने आपको बताया था कि आपको नोट में भी एड किया था तो सी ट्वेंटी क्यों न्यूज में है क्योंकि ह्यूमन रेटिंग का टेस्ट इसने पास कर लिया है और मैंने आपको ह्यूमन रेटिंग के बारे में बताया था कि कोई भी इंजन अगर ह्यूमन रेटिंग है इसका मतलब है कि दैट इज वेल इनफ टू कैरी ऑन ह्यूमन इन दैट है ना जैसे पेलोड सेटेलाइट जाना और ह्यूमन का जाना अलग होता है तो ये जो ह्यूमन रेटिंग वाले चीजें होती है ना ये इसका मतलब है कि दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द ह्यूमंस विद ठीक है ना जो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन है उसकी बात की जा रही है तो हाइड्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में रहता है इट इज नॉट वेल बेहेव इट नीड्स टू बी मेनटेड एट माइनस टू फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस वन एट्टी फोर डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है ठीक है ना और हाइड्रोजन लीक बहुत जल्दी हो जाती है एंड इसी कारण से इंजीनियर्स दे नीड स्पेशल इक्विपमेंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट लिक्विड हाइड्रोजन एंड स्पेशल इंजन दट कैन यूज इट टू पावर अ रॉकेट एंड इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन मैंने आपको उस दिन बताया था क्रायोजेनिक इंजन दो अलग अलग फ्यूल्स पे चल सकता है एक तो लिक्विड हाइड्रोजन पे एयर लिक्विड ऑक्सीजन ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन में दिक्कत क्या होती है कि उसका टेम्परेचर और कम रहता है प्लस उसको लीक का, लीक का प्रॉब्लम रहता है ये सारी चीजें रहती है ठीक है ना इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ अ क्रायोजेनिक इंजन रिक्वायर्स क्रायो पंप

एक टॉपिक था व्हाट दिस ब्लैनेट्स वर्ल्ड अराउंड द ब्लैक होल्स तो आपने इंटरस्टेलर देखी होगी मूवी जिसमें क्रिशोवर ने अलग अलग प्लैनेट्स दिखाए थे उनमें से कुछ ब्लैनेट्स भी थे प्लैनेट्स बेसिकली टाइप ऑफ एक्सो प्लैनेट होता है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लस जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स लगा इसके हैं सूर्य के इर्द गिर्द है ना सन के अगेंस्ट लेकिन जो ब्लैनेट्स होते हैं दे डायरेक्टली ऑर्बिटर सुपर में ब्लैक होल वो सीधे ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं ठीक है ना एंड ये सिमिलर होते हैं प्लैनेट्स के साइज कंपोजिशन के उसमें आ, लेकिन इनके अंदर उतना मास नहीं होता कि वो खुद स्टार बन पाए चक्कर लगाते रहते हैं ठीक है लेकिन दिस इज जस्ट अ थोरिटिकल कंसेप्ट उसको याद रखेगा आई गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग आगे मूव करते हैं यहाँ पे एडिटोरियल में एक एडिटोरियल हम देखेंगे अ न्यू सक्सेस जो है ये एक्चुअली जो हमारी मून लैंडिंग हुई चंद्रयान थ्री की सक्सेसफुल उसके बाद से जो रेस है टूवर्ड्स तो मून लैंडिंग वो काफी ज्यादा शुरू हो गई है इसके पहले हालांकि रशिया का जो लूना था लूना ट्वेंटी फाइव वो फेल हो चुका था एंड इंडिया का चंद्रयान थ्री सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में साउथ पोल में सेकंड अटेम्प्ट सॉरी साउथ पोल में लैंड ला, किया लेकिन वो ओवरऑल वर्ल्ड का पहला सॉफ्ट लैंडिंग था ऑन द साउथ पोल ऑफ मून ठीक है ना इसके अलावा यूएस की एक कंपनी है आईएम करके इंटूटिव करके मशीन करके कुछ कंपनी है आई एम करके और उसने सॉफ्ट uh, लैंडिंग कर दी है आ, और इसके इसने नासा का कमर्शियल प्रोग्राम है सीएल बोलते हैं कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस प्रोग्राम है ठीक है ना इट्स फॉर सी एल पी एस यानी यूएस प्राइवेट कंपनी है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ने एक माइल स्टोन सेट कर दिया है फॉर नासाज कमर्शियल हैोग्राम तो सीएलपी एस डिमोन्स्ट्रेट करता है पोटेंशियल ऑफ अ प्राइवेट स्पेस इन्वॉल्वमेंट विद लिमिटेड नासा कंट्रोल मतलब सीएलपीएस जो है इसमें प्राइवेट पार्टनर्स मिले हुए हैं तो यही बताना चाहता है कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप है ये काफी ज्यादा आगे जाएगी इन द स्पेस रन एंड वही इज इंडिया के लिए भी एक मैसेज है कि वी कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पेस मतलब प्राइवेट प्लेयर्स स्पेसएक्स आपका एग्जांपल है जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला स्पेसएक्स उसी का मतलब वो है पार्ट है तो वो भी एक एग्जांपल है अपने आप में

इसके अलावा जो चीजें मैं आपको बता दूं जैसे कि पहली चीज तो ये है याद रखेगा हेफा मॉडल -e अब हेफा मॉडल जो है ये लोन बेस्ड मॉडल है है ना पहले ग्रांट बेस्ड मॉडल था अब लोन बेस्ड मॉडल तो तो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हेफा जो है वो लोन बेस्ड मॉडल की तरह काम करता है बता दूं ये आपका जो हेफा है ये डायरेक्टली डरे, ग्रांट्स नहीं देता है इंस्टीट्यूशन को ये लोन देता है इंस्टीट्यूशन को ठीक है ना एंड ऑफर करता है लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट अब ये लोन आता है तो आपके साथ इंटरेस्ट भी आएगा तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक प्राइवेट एक फाइनेंशियल बर्डन आ गया अब इसके लिए उनको लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा अब जब लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा तो फीस बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाएंगे प्रॉफिट की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो शिक्षा का मेन मतलब था एजुकेशन देना उसकी जगह वो प्रॉफिट सबके मॉडल में चले जाएंगे क्योंकि तो हेफा मॉडल जो है वो ग्रांट मॉडल नहीं है है ना दैट इज नॉट द ग्रांट बेस्ड मॉडल तो यहाँ पे ये चीज लिखी भी है देखो हायर एजुकेशन जो फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एजेंसी है इसको बनाया गया है ठीक है ना कि भैया आप इस तरीके से मतलब फंडिंग दो उनको लिए यूजीसी को नहीं दी गई है हेफा को दी गई है हेफा मैंने आपको समझा दिया कि हेफा वर्क करता है किस मॉडल पे ये लोन बेस्ड मॉडल पे वर्क करता है ना कि ग्रांट बेस्ड मॉडल पे इस कारण से दिक्कत हो जाती है एंड uh, तो इसीलिए यूजीसी का नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांड्स कमीशन तो ग्रांड देती थी तो ग्रांड कमीशन थी लेकिन अब वो हेफा बन गए फाइनेंसिंग एजेंसी बन चुकी है ठीक है तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर और अगर ये चीजें रहेंगी तो ऑब्वियस ऑबियस इक्वलिटी और बढ़ती जाएगी आ, हमारा जो ग्लोबल एवरेज अगर हम देखें आ, आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम है स्पेशली इन द हायर एजुकेशन सेक्टर हमारा बहुत कम है एंड स्कूल एजुकेशन का बजट बढ़ रहा है uh, लेकिन एग्जिस्टिंग uh, स्कूल्स के लिए नहीं दिया जा रहा है वो एकलव्य मॉडल स्कूल या पीएम श्री स्कूल जो नए नए स्कूल हैं प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग uh, उनको दिया जा रहा है तो दैट इज थिंग विच इज देयर याद रखिएगा अच्छा एक डिसीज आज न्यूज में थी मायर आ, आ, मायर कुस्टर हाउजर सिंड्रोम ये क्या है एम आर के एच है ये पैंतालीस सौ में से एक महिला को होती है इट्स अ रेयर कॉनजेनिटल डिसऑर्डर इसका मतलब क्या होता है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपैक्ट करता है और इसमें होता क्या है कि यूट्रस जो होती है आ, या वेजाइना कई बार एग्जिस्ट नहीं करती है देर इज एब्सेंस ऑफ द यूट्रस एंड वेजाइना तो मुझे बॉडी में यूट्रस ही नहीं डेवलप हो पाया बिकॉज ऑफ सम सम्यूटल मिस मिस मतलब डेवलपमेंट तो ये मायर कस्टर हाउजर सिंड्रोम कहलाता है एग्जैक्ट कॉजेज इसके नहीं पता किसी के अब नॉर्मल डेवलपमेंट फीटल लाइफ के दौरान ही ये होता है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल समझ में आ गया होगा आप लोगों को देखते हैं और क्या है वाई हेज गूगल पॉज जेमिनी टू जनरेट ए आई इमेजेस ऑफ पीपल तो गूगल ने ए आई इमेज जनरेट करने वाले जेमिनी की एबिलिटी को बंद कर दिया है क्यों क्योंकि तो कुछ मिस मतलब uh, गलत फोटोज डेवलप हो रहे थे नाजीअरा के कुछ डेवलप हो गए थे प्लस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें उसने गलत आंसर किया था अभी तो दैट इज थिंग विच इज देर आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दैट दट इज इट फॉर द डे आई होप यू गॉट क्लियरिटी थैंक यूस डे